सबसे पहले तो नमस्कार, कैसे हो सब लोग? बढ़िया सर, अपने सुनाओ क्या हाल चाल? बढ़िया सब, बढ़िया सर। मकर संक्रांति की सबसे पहले तो मकर संक्रांति की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अपने बात कर रहे थे इतिहास में किसकी, मौर्य काल में, ठीक है। बात कर रहे थे मौर्य काल की। अच्छा, मौर्य काल में सबसे पहले हमने बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य की। हमने सारी बातें कर ली है चंद्रगुप्त मौर्य की। फिर उसके बाद में बात किसकी की अपने, बिंदुसार की, ठीक है। बिंदुसार की भी सारी बातें कर ली अपने। अपने कर रहे थे अशोक के बारे में। किसके बारे में? अशोक के बारे में। अपने अशोक पढ़ रहे थे। लगभग बातें मैंने अशोक के बारे में बता दी हैं। कुछ गिनी चुनी बातें जो हैं, जो रहती हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। दरअसल बात कुछ इस तरह से है कि जो कलहण की जो राजतिरंगिणी है, जिसमें किसका इतिहास लिखा हुआ है, कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, ठीक है। कलहण की राजतिरंगिणी के अनुसार जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, उसमें पता चलता है कि श्रीनगर नामक जो नगर है वो किसने बसाया? अशोक ने बसाया। किसने बसाया? अशोक ने बसाया। अच्छा, अगर बात की जाए तो जो कलहण की अगर राजतिरंगिणी की बात की जाए, तो ये भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें इतिहास को क्या किया गया है, क्रमबद्ध किया गया है। जिसमें क्या किया गया, इतिहास को क्रमबद्ध किया गया है, ठीक है। कुछ अपने को ये बातें कुछ लिखने वाली है, लिखवा दूंगा, बताने वाली थी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर पता चलता है कि अशोक की एक पुत्री, ठीक है, संघमित्रा, और एक पुत्र महेंद्र, उन दोनों को अशोक क्या करता है, कहां पर भेजता है? श्रीलंका में। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहां पर भेजेगा? श्रीलंका में भेजता है। श्रीलंका का शासक उस टाइम में किस नाम मिलता है? तिश्य, जिसने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, ठीक है। क्या नाम मिलता है? तिश्य नाम मिलता है। याद रखना, अशोक के भाई का नाम भी एक तिश्य मिलता है, और इसका नाम भी क्या मिलेगा अपने को? तिश्य, ठीक है। और श्रीलंका का प्राचीन नाम मैंने पहले बताया आपको, सिंहली द्वीप। प्राचीन नाम क्या है? सिंहल द्वीप या सिंहली द्वीप, ठीक है। अच्छा, अशोक की एक पत्नी थी तीसराखा। अशोक की पत्नी तीसराखा थी। वो क्या है कि देखती थी कि अशोक हमेशा ही क्या है, किसके नीचे बैठा रहता है? बोधि वृक्ष के नीचे। साले बरगद का जो पेड़ था बौद्ध धर्म का, अच्छा, उसके नीचे बैठा, जिसके नीचे क्या था कि उसको महात्मा बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साले बरगद का वृक्ष बोधि वृक्ष कहा जाता जिसको, ठीक है। उसके नीचे अशोक हमेशा बैठा रहता था। एक दिन तीसराखा ने क्या किया, उसको कटवा दिया। क्या किया? कटवा दिया। तो याद रखना, बुद्ध वृक्ष को अशोक के शासनकाल में किसने कटवाया था? उसकी पत्नी तीसराखा ने कटवाया था, ठीक है। अच्छा, फिर बात आती है कि अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा की बात करें, या फिर उसको कहां से मिली, तो सबसे पहले तो एक बौद्ध भिक्षु होता है, निग्रोथ नाम मिलता है, ठीक है, सबसे पहले उससे। फिर उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु होता है, विद्वान, ठीक है, उससे मिलती है। अंत में जाके क्या है कि अपना जो भाई मोगली पुत्र तिश्य जो होता है, उससे अंततः प्रेरणा लेकर क्या है कि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, कौन? अशोक, ठीक है। और जो तीसरी जो बौद्ध धर्म की संगीति जो होती है, वो इसी के शासन काल में होती है, ये चीज भी याद रखना। और एक अन्य बात कि चलो एक बार मैं लिखवा देता हूँ, एक आधी बात भी छूट जाएगी। तो अगर अशोक के बारे में बात की जाए, तो कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर नामक नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया? श्री नामक जो नगर बसाया, श्रीनगर नामक नगर बसाया। और किस नदी के किनारे बसाया? नदी याद रखना, झेलम नदी। नदी कौन सी है? झेलम नदी। हाँ बिल्कुल, ठीक है, झेलम नदी के किनारे बसाया। और अगर बात की जाए जो कलहण की जो राजतिरंगिणी है, इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। किसका? कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, ठीक है।
और राज तिरंगिणी की अगर बात की जाए तो कलहण की जो राज तिरंगिणी है भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है जिसमें क्या है, जिसमें पहली बार इतिहास को क्रमबद्ध किया गया। क्या किया गया इसमें? क्रमबद्ध किया गया, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। ये चीजें आप लिखो, फिर आगे लिखते हैं, पढ़े बिटा दो, लिखो लिखो। अच्छा, अब अशोक के बारे में ये चीजें मैं लिख दूंगा, अशोक का क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। उसके बाद में अपने किस चीज की बात करेंगे, मौर्यकालीन कला। मैं कहता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है मौर्यकालीन कला का। अच्छा, मौर्यकालीन कला की जब हम बात करेंगे तो इसमें पता क्या चीज आती है कि हम जानेंगे कि इसमें अभिलेख जो होते हैं उनके बारे में, ठीक है। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में, क्योंकि अभिलेख तीन प्रकार के होते हैं, एक कौन सा, शिलालेख, एक स्तंभ लेख और एक गुहा अभिलेख, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी, एक बार आप इसको लिखो फिर मैं आपको बताता हूं, मिटा दूं। देखो अच्छा, अशोक के बारे में कि अशोक ने, इसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, कहाँ भेजा, किसके लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, ठीक है। और ये चीज याद रखना कि श्रीलंका के इस टाइम शासक कौन है, नाम मिलता है तिष्य, इसकी उपाधि याद रखना देव नाम प्रिय, इसकी उपाधि क्या है, देव नाम प्रिय, ये इसकी उपाधि धारण की हुई है, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम अगर लिखो तो लिख लेना, इसका प्राचीन नाम क्या है, सिंहल द्वीप या सिंहली द्वीप, श्रीलंका का। अच्छा, अब मैं लिख रहा हूं कि अशोक की जो पत्नी थी, क्या नाम था, तीसरा का अशोक की, बाकी चीज अपने कर चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है, बताने की जरूरत भी नहीं। अशोक की पत्नी तीसरा राखा ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, ठीक है। किसने कटवाया था, अशोक की पत्नी तीसा राखा ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, ठीक है। क्यों कटवाया था, क्यों, देखो अशोक सारा दिन क्या है कि उसके नीचे बैठा रहता था, उसका मन क्या है, कहां पे चला गया था, धर्म के कार्यों में चला गया था। इसीलिए क्या है कि हमेशा सारा दिन वो क्या है कि धर्म की उपासना करने में लगा रहता था, सारा दिन बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाता था। और उसको क्या है कि घरवार की कोई चिंता नहीं थी, उसकी पत्नी उससे थोड़ा सा क्या होती है, जलसी जिसको कहते हैं ना, वो आने लगी कि देखो यार हम सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं और ये देखो कहां पे सारा दिन के वृक्ष के नीचे बैठ रहा है, उसको थोड़ी जलसी हुई तो उसने कटवा दिया उसको, अब कहां पे बैठेगा, अब देखो मेरे पास ही आना पड़ेगा, इसलिए उसने कटवा दिया उसको, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अशोक को बौद्ध धर्म की जो प्रेरणा है वो कहां से मिली, इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा सर्वप्रथम अगर बात करूं मैं देखो, सबसे पहले निग्रोथ नामक
ये चीज आप थोड़ा स्क्वेल से लिख लेना ठीक है। निग्रोथ नामक बोध भिक्षु, बोध भिक्षुक से मिली ठीक है। फिर ये उपगुप्त नामक बोध विद्वान होते हैं, बोध विद्वान से मिली ठीक है। और अंततः मोगली पुत्र ठीक है, तिश के प्रभाव में आकर बोध धर्म ग्रहण किया। कौन सा धर्म ग्रहण किया? ग्रहण किया ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। बता दो। अच्छा एक लास्ट बात और है कि तृतीय बोध संहिति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ ठीक है। मैं यहीं पे लिख देता हूं कि तृतीय बोध, कितनी संहितियां हुई थी बौद्ध धर्म में? कितनी संहितियां हुई थी? 5 ठीक है, जिसके बारे में वैसे 4 ही है, वैसे 4 ही संहितियां थी, बट 5 जो है वो एक धर्म सम्मेलन माना जाता है, अपवाद के रूप में है कि कोई कहता 5 कोई कहता 4, अपनी 4 ही है ठीक है। 5वां धर्म सम्मेलन था, कुछ हम पढ़ गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तृतीय बौद्ध संहिति का आयोजन इसके शासनकाल में हुआ था, इसके समय हुआ ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लो। अब अपने बात करेंगे मौर्यकालीन कला की, पहले सुन लो फिर अपने लिखते हैं। सुझा लो क्या सर? तृतीय बौद्ध संहिति। हाँ ठीक है बेटा, दो अच्छा अब सुनो। अशोक अपने पूरा कर गए ठीक है। अब अपने मौर्यकालीन कला की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कला की बात करेंगे। अच्छा अगर मैं बताऊं आपको, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है कि जो अभिलेख है ठीक है उनकी बात करते हैं। अभिलेख क्या चीज होती है? देखो एक कठोर सतह जो होती है उस पर उत्कीर्ण करवाया जाता है। किसको? अभिलेख को। किस पर उत्कीर्ण करवाया जाता है? कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाया जाता है। उस पर कुछ लिखवा दिया जाता है, कुछ लाइनें लिखवा दी जाती हैं, वो अभिलेख होता है ठीक है। अगर मैं अशोक के अभिलेखों की बात करूं तो अशोक के अभिलेखों को क्या है कि सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में क्या है कि खोजा गया और उसको पढ़ा भी गया। अगर सबसे पहले अगर बात की जाए कि किसने खोजा, तो टी पेंथेलर नाम मिलता है। किसका? टी पेंथेलर ने दिल्ली जो मेरठ स्तंभ लेख जो है उसको खोजा था। किसको? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख उसको खोजा था 1750 ईस्वी में टी पेंथेलर ने। अच्छा बात आती है कि सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख उनको पढ़ा किसने, तो सबसे पहले अपने को नाम मिलता है कि जेम्स प्रिंसेप का। जेम्स प्रिंसेप का नाम मिलता है जिसने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। अच्छा वो अभिलेख कौन सा था जिसको उसने पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने? तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ा। अच्छा अगर मैं बात करूं किसकी कि जो अभिलेख होते हैं, एक बार लिखे ना मतलब लिखाऊंगा समझा रहा हूं, अभिलेख जो होते हैं, अभिलेखों की अगर मैं बात करूं तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 ही प्रकार के होते हैं। नंबर एक शिलालेख ठीक है। नंबर 2 स्तंभ लेख। ये कला है ना, जो यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं इसके, ये मेन टॉपिक है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा इसको ठीक है। नंबर 3 गुहा अभिलेख। अच्छा अगर मैं तीनों की चीज बताऊं, शिलालेख का क्या मतलब है? कोई शिला है मान लीजिए, जैसे पत्थर है ठीक है, उसका एक टुकड़ा मान लीजिए एक तरफ से ठीक है, बिल्कुल क्या रफ करवा के बिल्कुल उसको, उस पर क्या कुछ लाइनें लिखवा दी जाती थी, वो तो क्या होता था? शिलालेख ठीक है। ये एक तरह शिला है ना, इस पर मान लीजिए कुछ लाइनें लिखवा दी गई तो क्या बन गई? शिलालेख बन गया। अच्छा
इस पर जो लाइनें लिखवाई जाती थी ना, इस पर जो लाइनें लिखवाई जाती थी, देखो उनको दो भागों में बांटा गया, एक तो कौन सी बृहद और एक लघु, कितने भागों में बांटेगी बृहद और लघु, दो में बांटा गया इसको। अच्छा फिर स्तंभ लेख की बात करें, देखो कुछ इस तरह से होता था स्तंभ लेख, कुछ इस तरह से, और अगर इसकी बात मैं करूं तो इसके बीच में क्या होता था कि एक बैल, इसका एक बैल का इसमें क्या बना होता था, चित्र बना होता था, और इसके नीचे क्या है कि एक अवांगमुखी कमल, क्या उल्टा कमल जो होता था, अवांगमुखी कमल बना होता था। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये जो भाग है ये क्या कहलाता था, लाट, क्या कहलाता था, लाट या फिर यष्टि कहलाता था, क्या कहलाता था, लाट या फिर यष्टि कहलाता था। मोटा मोटा एक बार बता रहा हूं, जब मैं इसके बारे में फुल डिटेल जानकारी दूंगा तब और चीजें बताऊंगा कि क्या चीज इसमें किस तरह से, ठीक है। गुहा के लेके अगर मैं बात करूं तो देखिए इस तरह से मान लीजिए गुफा है कोई, कुछ इस तरह से गुफा है मान लीजिए, इसका जो बिल्कुल ऊपर वाला भाग है ना, यहाँ पे बिल्कुल ऊपर गुफा का जो अंदर जाने का जो रास्ता होता है, ऊपर जो चीज होती है ना, ये वाला जो भाग है, यहाँ पर कोई दो लाइन है, जैसे कुछ भी दो लाइनों में लिखवा दिया जाता था वो क्या कहलाता था, आपका गुहा विलेख कहलाता था। अगर इसमें मैं बात करूं, बेटा दो एक बार इस चीज को दोबारा से लिखवा दो, ठीक है। अच्छा सबसे पहले जब अपने शिलालेख की बात करते हैं, इसकी शिलालेख की, देखो जो शिलालेख जो होते हैं ना, बृहद और मैंने क्या बताया लघु, शिलालेखों की अगर मैं बृहद की संख्या की बात करूं तो तकरीबन सात या छह, क्या है बृहद शिलालेख अपने को मिलते हैं इस टाइम के, लघु शिलालेख का कोई पता, लघु जो शिलालेख उनकी कोई भी जानकारी नहीं है। अच्छा फिर मैं अगर इसकी बात करूं कि जो इसमें जो मिले अपने को शिलालेख जो मिले हैं उनमें जो सबसे मेन जानकारी अपने को मिलती है किस चीज की, एक शिलालेख बताया जाता है एरीगुड्डी का, किसका एरीगुड्डी का, जो कहां पर है आंध्र प्रदेश में है। बाकी तो सारे क्या किसमें लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं या प्रोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, बट एक ऐसा जो एरीगुड्डी का जो शिलालेख है वो ब्रुष्टो फैदल लिपि में लिखा गया है, किसमें ब्रुष्टो फैदल लिपि में लिखा गया, एक अलग से अपने को जानकारी मिलती है किसके बारे में, शिलालेखों के बारे में। सबसे पहले तो अपने अभिलेख की जानकारी ले लेते हैं, देखो अगर मैं अभिलेख की बात बताऊं तो जो कठोर किस पर कठोर स्तह पर क्या करवाए जाते थे, उत्कीर्ण करवाए जाते थे, ठीक है। अच्छा अशोक के अभिलेख, देखो जो अशोक के जो अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़े, इस चीज की जानकारी में अगर मैं बात करूं तो खोज कब की गई इसकी, सबसे पहले टी फेंथलर ने की थी 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में किसने की, टी फेंथलर ने, किसने की टी फेंथेलर ने, और दिल्ली जो मेरठ स्तंभ लेख है ना, आगे बताऊंगा कितने स्तंभ लेख मिले हैं इसमें, मेरठ स्तंभ लेख खोजा। अगर बात करूं कि सबसे पहले पढ़ा किसने, कि अशोक के जो अभिलेख हैं पढ़े कब गए, पढ़ना या विघटन करना, ठीक है एक बात होती है, और 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, किसने जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, और कौन से दिल्ली जो टोपरा स्तंभ लेख है उसको, दिल्ली ब्रैकेट में लिख लेना,
दिल्ली टोपरा इस्तांबुल। ठीक है, दिल्ली टोपरा जो इस्तांबुल है उसको सबसे पहले पटा गया था। ठीक है, ये लिख लिया, मिटा दो। अच्छा, सबसे पहले अगर बात की जाए तो उसकी लिपि कौन सी थी, मिटा लो। अगर इसकी लिपि की बात की जाए तो चार प्रकार की अपने को लिपियां मिलती हैं। कौन कौन सी, जो पहले बता रहा था मैं, एक तो ब्राह्मी क्रोस्टी, ठीक है, और एक ग्रीक और एक अरामाइक। अब इसमें से बात करूं मैं, मिटा दो एक बार मैं इसको, कौन कौन सी, अगर मैं इसकी लिपियों की बात करूं कि इसकी लिपि तो कितनी, चार। कौन कौन सी, एक तो ब्राह्मी क्रोस्टी ग्रीक अरामाइक। ठीक है, अगर मैं ब्राह्मी की बात करूं तो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, ये कहां से, ये बाएं से दाएं, ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी और ये दाएं से बाएं, और ये दोनों यूनानी लिपियां हैं। ये कौन सी है, ये जो यूनानी लिपियां हैं। और भाषा कौन सी थी, प्राकृत। अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी है, प्राकृत भाषा है, कि वो प्राकृत भाषा में रचे हैं। ठीक है, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं अशोक के अभिलेख। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, मैंने पहले बता दिया कि तीन प्रकार होते हैं अभिलेख। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले शिलालेख। ठीक है, शिलालेख की अपने बात करते हैं, मिटा दो। सबसे पहले शिलालेख देखो, अच्छा शिलालेख की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरह से, पहले मैंने बताया मोटा मोटा, ठीक है, एक चट्टान का टुकड़ा या चट्टान पर जो शिलाएं होती हैं उनको साफ कर कर उन पर लिखा जाता है। किस पर, किस पर लिखा जाता है, चट्टान की शिलाओं पर। ठीक है, इसीलिए इसको शिलालेख कहा जाता है। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं तो इस पर क्या है कि लाइनें लिखी जाती थी इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा ये कुछ लाइनें लिखी जाती, कुल 14 लाइनें, कुल कितनी लाइनें, 14 लाइनें, कुल 14 लाइनें मिली हैं इस पर। अशोक के शिलालेखों की अगर बात करें तो कुल 14 लाइनें मिली हैं। और एक विशेष बात याद रखना, एक लाइन कौन सी, एक लाइन, एक लाइन, एक क्या हो गया, शिलालेख हो गया, एक लाइन, एक शिलालेख बढ़ता है एक लाइन का, कुल कितने हो गए, 14। ठीक है, अच्छा अगर बात की जाए तो इसमें दो प्रकार हैं, इसके भी दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से, मैंने पहले बता दिया आपको कि एक तो होता है कौन सा, बृहद, एक बृहद शिलालेख होता है। अगर बृहद शिलालेख की अगर मैं बात करूं तो इसकी संख्या मिलती है अपने को कितनी, 14। संख्या कितनी, संख्या बता रहा हूं मैं, ये गौर से देख लेना क्योंकि कला का ही टॉपिक अच्छा टॉपिक है। एक संख्या कितनी है बृहद शिलालेखों की, 14। और अगर लघु स्तंभ लेखों की बात करें, सॉरी लघु शिलालेखों की अगर बात करें तो इनकी संख्या अज्ञात है, मतलब पता नहीं, इनकी संख्या का पता नहीं। अच्छा, संख्या की यानी सर शब्दों की बात कर रही है क्या, हाँ, एक लाइन, एक लाइन की, एक लाइन की मतलब एक शिलालेख बन गया तो कुल कितनी लाइनें होगी, 14 लाइनें, और तो 14 क्या हो गए शिलालेख, 14 शिलालेखों की संख्या हो गई इस पर, कुल कितनी लाइनें होगी, 14, और वही संख्या बन गई इसकी, वही क्या बन गई, संख्या बन गई। अच्छा अगर मैं बात करूं
कि जो बृहद जो शिलालेख है 14 की संख्या है इनकी, स्थान कितने हैं इनके, कितने स्थान कितने हैं, तो कुल बृहद जो शिलालेख है ना, कौन से, जो मैं लिख रहा हूं यहां पर बृहद शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं, कितने स्थानों से मिले हैं, 8 स्थानों से मिले हैं। अब मैं उन 8 स्थानों को लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा गौर करिएगा। नंबर 1 शाहबाजगढ़ी, पूछा जाए कि शाहबाजगढ़ी कहां पर है, तो पाकिस्तान में, कहां पर, नाम से पता चल रहा है कि ये कहां पर होगा, पाकिस्तान में, ठीक है। नंबर 2 मानसहरा, नंबर 2 मानसहरा कहां पर है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में होगा, नहीं है ही पाकिस्तान में, ठीक है। और नंबर 3 कालासी कहां पर है, उत्तराखंड में, कालासी उत्तराखंड, ठीक है। नंबर 4 मैं इधर लिख रहा हूं कि सोपारा महाराष्ट्र, सोपारा महाराष्ट्र। नंबर 5 एरेगुड्डी, कौन सा एरेगुड्डी, एरेगुड्डी जो है आंध्र प्रदेश, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। नंबर 6 अगर बात की जाए तो अपने को मिलता जोगड़ उड़ीसा में, शिलालेखों की बात कर रहा हूं मैं, 8 स्थानों से मिले, संख्या 14 है, स्थान कितने हैं, 8, ठीक है। जोगड़ फिर गिरनार गुजरात का, नंबर 7 गिरनार गुजरात, ठीक है। एक अंत में रह जाता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। नंबर 8 वाला धोली, ठीक है, धोली मिला है अपने को उड़ीसा में, कहां पर, धौलपुर नहीं है, धोली है ये, ठीक है। अच्छा, ये कुल कितने हो गए, 8 स्थानों से क्या मिले हैं अपने को, शिलालेख मिले हैं, वो आपके सामने लिखे गए हैं। अच्छा, एक इनकी ट्रिक और बढ़ती है, एक इनकी ट्रिक और बढ़ती है, अगर आप थोड़ा ट्रिक पे विश्वास करने वाले हो तो आपको ट्रिक भी दे दी गई है, ठीक है। इसमें ट्रिक ये बढ़ती है, देखना मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, ट्रिक की। अच्छा, नोट कर पाऊंगा, ठीक है। ट्रिक क्या बन रही है कि शाम को सोए वह गधा, क्या ट्रिक बन रही है, मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो बोर्ड पे थोड़ा ज्यादा, शाम को सोए जो गधा, ठीक है, ये ट्रिक बनती है इसकी, नॉर्मल सी ट्रिक है। पहली बात, आप ट्रिकों पे विश्वास ही मत करो, अंबेडकर एजुकेशन मिशन आपको कभी भी ट्रिक पे विश्वास नहीं दिलाता। हाँ, शाम को सोए जो गधा, ठीक है, मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूं कि अंबेडकर एकता एजुकेशन मिशन कभी भी आपको ट्रिक पे भरोसा नहीं दिलाता, आप सीधी चीजें क्या समझो और उसको याद करो, ठीक है। मिटा दो ये चीजें, समझ में आ गई, लिख ली आपने, ट्रिक भी लिख लेना अगर आप ट्रिक पर थोड़ा सा विश्वास करते हो। तो ये थे क्या, शिलालेख। अच्छा, फिर मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि जो एरेगुड्डी का जो शिलालेख जो है, अच्छा देखो, इसमें जो भारत वाले है ना, इसमें जो भारत के जो शिलालेख है,
भारत के जो शिलालेख हैं, जितने भी शिलालेख अपने को मिले हैं भारत के, वो सभी ब्राह्मी और क्रोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। उनकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी और रेत की। बिल्कुल, तो रेत तो अपने स्थान तो नहीं की पढ़ रहे ना, लघु तो अपने को पता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, ब्राह्मी और क्रोष्टी लिपि में लिखे गए भारत के शिलालेख। भारत से जो बाहर है ना, जो भारत से बाहर मिले हैं, भारत से बाहर कहां पर मिलेगा अपने को? पाकिस्तान से मिले हैं। ठीक है, जो भारत से बाहर मिले हैं, सॉरी इसमें भारत के शिलालेख ब्राह्मी लिपि के, और भारत से जो बाहर मिले हैं वो क्रोष्टी लिपि के हैं। कौन सी लिपि के हैं? क्रोष्टी लिपि के हैं। इसमें एक अपवाद है चीज, वो मैं बता रहा हूं कि जो एरी गुड्डी का जो अपने शिलालेख जो है ना, जो एरी गुड्डी का जो शिलालेख है वो अपने को जहां कहां से मिला है? आंध्र प्रदेश से। कहां पर मिला है? कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और वो ब्रुष्टोफेद लिपि में लिखा गया है। ब्रुष्टोफेद लिपि, ये अपने किसकी बात कर गए? शिलालेखों की बात कर गए। ठीक है, अब अपने बात करते किसकी? स्तंभ लेख की। मैं मिटा रहा हूं, मिटा दो। अच्छा, अब बात करेंगे। देखो देखो, सर ये तो अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली इसके बारे में इतनी फिलहाल। ठीक है, बस इतना पता चलता है कि जो एरी गुड्डी कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश, जिला लिख लेना आंध्र प्रदेश का, कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश। ठीक है, कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश से ये अपने एरगुडी का शिलालेख मिलता है, और कौन सी लिपि में है? ब्रुष्टो फेदन लिपि में है। ठीक है, अब बात करते हैं स्तंभ लेख की। अच्छा, छोटा मोटा प्रारूप में तो थोड़ी देर पहले आपको बता गया किसका, स्तंभ लेख का। कुछ और बातें जो है उसके बारे में कर लेते हैं। अच्छा, अब सुनो, कुछ इस तरह से होता है ये, ठीक है। इसके अंदर अगर बात की जाए तो पशुआकृति होती है, ठीक है, कुछ इस तरह से मान लो। ये क्या इसके अंदर? हाँ, पशुआकृति, या फिर आप जिसको फिदेल बोल रहे हो। ठीक है, ये क्या है? फलक। ये क्या है? फलक। और यहां पर जैसे मैंने बताया कि अवांगमुखी कमल, जो उल्टा कमल होता था ना, उल्टा कमल या फिर अवांगमुखी कमल, कमल का चित्रण था। ठीक है, और ये वाला जो भाग कहलाता है ये लाठ या यष्टि, इसी भाग पर क्या लिखी जाती है? इसकी जो लाइनें जो लिखी जाती हैं, यानी कि जो कुछ स्तंभ लेख लिखे जाते हैं वो इसी भाग में लिखे जाते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए कि ये पूरा का पूरा एक पत्थर का टुकड़ा होता है, एकाश्मक पत्थर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एकाश्मक पत्थर बोलते हैं। उस पत्थर का पूरा पूरा टुकड़ा है, एक टुकड़ा है पूरा पूरा। ठीक है, और इस एकाश्मक पत्थर की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर उस टाइम में पाया जाता था? चुनार आंध्र प्रदेश, सॉरी चुनार उत्तर प्रदेश में। कहां पर एकाश्मक पत्थर? कहां पर? उत्तर प्रदेश। हाँ, चुनार उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये पत्थर अपने एकाश्मक पत्थर जो है वो पाया जाता था। अच्छा, अगर इसकी मैं वैसे बात करूं तो इस पर चमकदार पॉलिश भी की गई है, चमकदार पॉलिश। ठीक है, इन पर चमकदार पॉलिश भी की जाती है, की गई थी। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ये एक बार आपने कर लिया नोट, ठीक है। अच्छा, अब सुनो कि इसके
जो बृहद की संख्या, इनके जो बृहद जो स्तंभले हैं उनकी अगर संख्या की बात की जाए तो कितनी है? सात। कितनी है? सात। और अगर इनके लघु की संख्या की अगर बात की जाए तो कितनी है? छह। कितनी है? छह नहीं, पांच है, छह इसके स्थान है, ठीक है, पांच है इनकी संख्या, लघु की पांच और बृहद की कितनी है? सात संख्या है। और ये अगर मैं बात करूं बृहद जो अपने जो बृहद स्तंभले हैं वो छह स्थानों से मिले हैं, कितने स्थानों से? छह स्थानों से मिले हैं। वो कौन कौन से हैं वो थोड़ी देर बाद में आपको मैं बताने वाला हूं। और अगर लघु स्तंभले की बात की जाए तो कुल पांच स्थानों से मिले हैं, कुल पांच स्थानों से मिले हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, स्तंभलेख की अगर बात की जाए तो इनके बृहद कुल दो भागों में बांटा गया इसको, ठीक है, बृहद और लघु के रूप में। बृहद की संख्या सात है और लघु की संख्या कितनी है? पांच है। बृहद कुल छह स्थानों से मिले हैं और लघु कुल पांच स्थानों से मिले हैं। वो कौन कौन से हैं वो अपने अभी कर लेते हैं, मिटा दो ये सारा का सारा, मिटा दूंगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बृहद, बृहद स्तंभ लेख के स्थान, ठीक है। अच्छा, नंबर एक अगर बात की जाए तो दिल्ली मेरठ, दिल्ली, एक चीज याद रखना आप, एक चीज याद रखना आप कि यह तो इसकी क्या है? वर्तमान स्थिति है। लिख लेना कि यह तो इसकी क्या है? वर्तमान स्थिति है, यह इसकी पूर्व स्थिति है। मतलब पहले किस नाम से था? ये मेरठ के नाम से था, अब इसको क्या है? दिल्ली के नाम से जाना जाता है, यानी दिल्ली मेरठ का स्तंभलेख कहा जाता है इसको। एक दिल्ली मेरठ स्तंभलेख और एक दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा। जब आपको मैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, अब आप लिख लेना कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, इसको दिल्ली में गढ़वा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने दोनों को कहां पर गढ़वाया? दिल्ली में, दिल्ली में गढ़वा दिया था, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, नंबर तीन अगर बात की जाए तो अपने को मिलता लोरिया अरराज, किसका? लोरिया अरराज स्तंभ लेख, और नंबर दो लोरिया नंदराज, लोरिया नंदराज का। लोरिया नंदराज का स्तंभ लेख, ठीक है, सॉरी नंदनगढ़ मिलता है वैसे इसका, नंदनगढ़, नंदराज को नंदन नंदनगढ़, ठीक है। एक रामपुरवा, नंबर पांच कौन सा? रामपुरवा, ठीक है। एक लोरिया अरराज का और एक लोरिया नंदनगढ़ और एक मिलता है अपने को कौन सा? रामपुरवा। ये जो तीनों हैं ये बिहार के चंपारण में स्थित हैं, कहां पर? कहां पर? बिहार के चंपारण जिले में स्थित हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, एक रहता है कौन सा? प्रयाग कौशाम्बी का, याद रखना आप इस प्रयाग कौशाम्बी को, आगे मैं इसकी फुल लंबी स्टोरी बताऊंगा। इतना ज्यादा विस्तृत है प्रयाग कौशाम्बी
कि इस पर देखो किस किस की, आगे बताऊंगा सारे डिटेल से बताऊंगा, एक बार आपको थोड़ा सा वैसे बता दें प्रयाग कौशाम्बी के बारे में। नंबर छह कौन सा है, यहां पे लिख दो छह नंबर वाला प्रयाग कौशाम्बी शिलालेख जो है इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसने गढ़वाया था, तो इलाहाबाद के किले में अकबर ने गढ़वाया, किसने गढ़वाया था। देखो ये एक ऐसा शिलालेख है प्रयाग कौशाम्बी का, इस पर देखो बिंदुसार के, अशोक के, अकबर के, जहांगीर के, बीरबल के, अभी भी खाली पड़ा है, इतने इतने शिलालेख इस पर स्तंभ लेख गढ़े हुए हैं, पांच छह शासकों ने इस पर क्या है कि स्तंभ लेख पर अपने अपने क्या है अभिलेख गढ़वा दिए, बट इसके बावजूद भी अभी ये नीचे वाली जगह क्या है खाली है इसकी। ठीक है ये हो गया, अब आगे और लिखो। अच्छा लघु स्तंभ लेख रामपुरवा नाम है, ये रामपुरवा ठीक है बिहार के अंदर रामपुरवा, ठीक है रामपुरवा बिहार। अच्छा अब आप करो लघु स्तंभ लेख जो पांच स्थानों से मिले हैं, बता दो ये लघु लघु स्तंभ लेख पांच स्थान है इसके, ठीक है अब पांचों पांचों लिखना। नंबर एक पर सांची, ठीक है नंबर दो सारनाथ, नंबर तीन कौशाम्बी, ठीक है नंबर चार की अगर बात की जाए तो रुमिनी देई, रुमिनी देई ठीक है, और नंबर अगर पांच की बात की जाए तो निगला सायरी, निगला सायरी, ये दोनों नेपाल के हैं, ये दोनों नेपाल के हैं, और ये दो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, और ये सांची जो है ये मध्य प्रदेश में है, कहां पर है मध्य प्रदेश में है। ठीक है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना कौन सा है सारनाथ का, अभी अभी बता रहा हूं सारनाथ के बारे में, सारनाथ के बारे में कौन कौन सी चीजें हैं। बात करते हैं अपने आज की क्लास की अंतिम बात सारनाथ स्तंभ लेख के बारे में, जितनी चीजें एक बार आप लिख लो मिटा दो, सुनो सारनाथ स्तंभ लेख, ठीक है देखो जो सारनाथ स्तंभ लेख है ये आधुनिक भारत का क्या माना जाता है प्रतीक चिन्ह माना जाता है, ठीक है और इसके फलक पर चार सींग हैं, क्या है चार सींग, और अन्य अगर आप जानवरों की बात करें तो हाथी घोड़ा बैल और एक सिंह, कौन कौन से हाथी घोड़ा बैल और सिंह अन्य चार जानवर हैं और चार सिंह इस पर उत्कीर्ण है, और अगर इसकी बात की जाए तो यह आधुनिक भारत का क्या माना जाता है प्रतीक चिन्ह। मूल रूप से जो सारनाथ का स्तंभ लेख है उसमें कितनी तिलियां थी 32 तिलियां थी और अपने प्रतीक चिन्ह में 24 तिलियां हैं, कहीं तो महात्मा गांधी की चरखे की बात करते हैं बट इसमें क्या बताया गया उस पर चीजें ये उत्कीर्ण की गई है कि 24 घंटे होते हैं, कितने होते हैं कुल समय अपने जो एक टाइम पीरियड बना हुआ है 24 घंटों का, और समय चलायमान रखा जाए इसीलिए इसको कहे 24 घंटों का क्या माना गया है 24 तिलियां, ठीक है मूल रूप से कितनी है इसमें स्तंभ लेख में 32 तिलियां हैं, और अगर बात की जाए तो सत्यमेव जयते इस पर लिखा हुआ है जो भारत का एक आदर्श वाक्य माना जाता है, वो किस पे लिखा हुआ सत्यमेव जयते सारनाथ स्तंभ लेख पर, और अगर बात की जाए तो अशोक के शासनकाल का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है किसका
अशोक के शासनकाल का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है ये अपना सारनाथ स्तंभ लेख। ठीक है, कुछ बातें इसके बारे में लिखो आप। आधुनिक भारत का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए इसके ऊपर तो इसके फलक पर कितने सिंह हैं? चार सिंह हैं। और अन्य जानवरों की अगर बात करूं मैं, अन्य जानवर कौन कौन से हैं? तो घोड़ा, बैल, हाथी और एक कौन सा सिंह। ठीक है, और अगर बात की जाए तो अशोक के शासनकाल का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि सत्यमेव जयते, ये सर इसके फलक पर सिंह है या सिंह है? हैं? सिंह है या सिंह है? सिंह क्या? सिंह लिख रखा है, सिंह है, सिंह सिंह कहते हैं जिसे। हाँ वो वही, अरे भाषा कुछ ऐसी है ना। ठीक है, अब आगे लिखा सत्यमेव जयते, इस पर टाइम अपना थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इस पर लिखा गया है। ठीक है, जो भारत का क्या है, एक अदृश्य वाक्य है और मूल रूप से इसमें 32 तिलियां हैं। लिखो आप इसको जल्दी जल्दी, फिर मैं आगे चल रहा हूं। मूल रूप से इसमें कितनी है? 32 तिलियां हैं, और अगर अपने भारत का जो आधुनिक प्रतीक चिन्ह जो माना जाता है उसमें 24 तिलियां हैं। अपने आधुनिक जो प्रतीक चिन्ह है उसमें कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। ठीक है, वो बता दिया मैंने क्यों है 24 तिलियां, क्योंकि ये 24 घंटों के चलायमान का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, देखो अंत छोटी सी बात गुहा विलेख के बारे में, वो अब सुन लो मेरे से, बता दो ये सारनाथ स्तंभ लेख वाला। देखो गुहा विलेख मैंने बता दिया कि दो लाइनें लिख दी जाती थी गुफा के ऊपर बिल्कुल टॉप पर। ठीक है, दो लाइनें लिख दी जाती थी, और अशोक की अगर बात की जाए तो करण चौपार और एक विषम झोपड़ी और एक सुदामा, तीन क्या है गुफाओं का निर्माण करवाया गया बिहार के बारबरा नामक स्थान पर। ये चीज होगी लो, बिठा दो। अच्छा, गुहा भी लेख के बारे में सुन लो। आज के सुनो गुहा भी लेख, ठीक है, नंबर तीन गुहा विलेख। देखो मैंने बताया कि गुहा विलेख किस तरह से बनता है वो मैंने बता दिया ना। ठीक है, देखो अशोक ने नंबर एक लिखना आप इसमें कौन सा, करण चौपार विषम झोपड़ी, करण चौपार, नंबर दो विषम झोपड़ी, ये गुहा विलेख है आपके। ठीक है, नंबर तीन इसमें मिलता है आपको कौन सा, सुदामा। ये जो तीनों गुहा विलेख जो हैं ये कहां पर अशोक ने करवाए, बिहार के बारबरा नामक स्थान पर। ठीक है, बारबरा नामक स्थान पर बनवाए। ठीक है, किसने, अशोक ने। गुहा विलेख किस तरह से लिखे जाते हैं, दो लाइनें लिख दी जाती है ऊपर बिल्कुल भाग पर टॉप पर गुफा के, वो चीजें मैंने आपको पहले बता दी। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाता है, मौर्य काल समाप्त हो जाता है। कल अपने क्या गुप्त काल की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है सर।